हेलो एंड वेलकम बैक टू भूरिया क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा हिस्ट्री का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है जहांगीर, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने अकबर टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्यूदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो लाइक और शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा यह आज का लेसन प्लान संख्या 23वें नंबर का है जहांगीर। इसके पहले हमने अकबर टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था और उसके पहले हमने मराठा राज्य का उदय और मुगल साम्राज्य की स्थापना, इन सारे टॉपिक पर डिस्कस किया था कि इसका लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं पाठ योजना संख्या 23वें नंबर का। ऑलरेडी 22 हमने पाठ योजनाओं पर चर्चा कर लिया है। आपको अगर उसकी ज़रूरत होगी तो आप एक बार चैनल पर चेक कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हिस्ट्री नहीं, आपको सिविक्स और अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसके भी लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम अपना प्रकरण लिखते हैं, जो है आज का प्रकरण जहांगीर। इसके बाद सामान्य उद्देश्य पूर्वक लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम तीनों उद्देश्य लिखेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे, पहला पॉइंट कि छात्र जहांगीर के बचपन का नाम बता सकेंगे, दूसरा छात्र जहांगीर की आत्मकथा का नाम बता सकेंगे, और फिर बोधात्मक में लिखेंगे छात्र जहांगीर का पतन क्यों और कैसे हुआ बता सकेंगे, दूसरा छात्र जहांगीर के बेगम के बारे में बता सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक पर आते हैं जिसमें लिखेंगे पहला पॉइंट है हमारा मुगल शासकों का चित्र दिखाने पर छात्र जहांगीर को पहचान सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। सहायक सामग्री जो भी टीचिंग एड आप यूज़ करते हैं, जैसे जहांगीर का चित्र या जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो लिख देंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को मुगल वंश के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना के प्रश्न पर। हमारे प्रस्तावना का प्रश्न यह आप लिख लेंगे। उसके बाद क्रम संख्या छात्र अध्यापक कथन या छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन और छात्र छात्रा कथन, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम पहला क्वेश्चन अपना लिखते हैं। इसमें बाबर किस वंश का शासक था, छात्र बताएंगे मुगल वंश का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 13 वर्ष में हुआ, छात्र बताएंगे अकबर का। अकबर टॉपिक का लेसन प्लान हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसीलिए। उसके बाद हम जहांगीर का लेसन प्लान करते हैं। तीसरा है अकबर के पुत्र का क्या नाम था, छात्र बताएंगे जहांगीर। उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न करेंगे जहांगीर के विषय में आप क्या जानते हैं, क्यों जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग जहांगीर के विषय में अध्ययन करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और श्याम पटकारी, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम अपना पहला शिक्षण बिंदु लिखते हैं जहांगीर का परिचय। यह आज का हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जहांगीर का परिचय। दूसरा कला एवं साहित्य है, पहले इसको देखते हैं जिसमें क्वेश्चन लिखेंगे जहांगीर के बारे में आप क्या जानते हैं, छात्र कथन में मौन लिख देंगे, इसके ठीक नीचे छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुन रहे हैं लिख देंगे जरूर ही। आगे बढ़ते हैं व्याख्या पर। हमारे व्याख्या या स्पष्टीकरण लिखते हैं जिसमें लिखेंगे जहांगीर अकबर का पुत्र था, उसके बचपन का नाम सलीम था, सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, अकबर के मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ, उसे गद्दी पर बैठते ही अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा, परंतु जहांगीर ने इस विद्रोह को कुचल दिया था, खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया। ये हो जाएगा हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। अगर आपको कुछ और लगता है इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए तो आप बेशक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है छात्रों को ये भी चीज़ें बतानी आवश्यक है, हमें बतानी चाहिए, अगर आप तैयार कर सकते हैं वो सारी चीज़ें तो ज़रूर ही आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम दूसरा शिक्षण बिंदु कला एवं साहित्य, जिसमें क्वेश्चन लिखेंगे जहांगीर को सबसे ज़्यादा प्रेम किन किन चीज़ों में था, छात्र मौन लिख देंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे हम अपना। स्पष्टीकरण में लिखेंगे जहांगीर ने सब लोगों के हृदय पर विजय पाने का प्रयत्न किया, उसने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई जिसे
कोई भी बजाकर बादशाह से सीधे न्याय की फरियाद कर सकता था। जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था, वह एक विद्वान राजा था। ये हम चीज़ें सारी अपने व्याख्या में लिख देंगे, किस प्रकार कला एवं साहित्य का जहांगीर प्रेमी था, ये सारी चीज़ें हम व्याख्या में लिखेंगे भी और छात्रों को बताएंगे भी, व्याख्या देंगे उसकी। श्यामपट कार्य करते चलेंगे साथ में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु पर। हमारे तीसरा शिक्षण बिंदु है जहांगीर का पतन। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि जहांगीर का पतन कैसे हुआ, छात्र हो जाएंगे मौन, फिर हम देंगे अपना व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे जहांगीर को मदिरा पान की बुरी आदत थी, जिससे उसका चरित्र का उत्तम पहल धीरे धीरे समाप्त हो गया तथा उसके स्वभाव में असंगति आ गई, जो उसके पतन का कारण बनी। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। यह हम दे देंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। तीसरे शिक्षण बिंदु हमारा तीसरा होता है कंप्लीट। यहाँ पर अब बढ़ते हैं मूल्यांकन के प्रश्न पर। मूल्यांकन के प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा लेसन प्लान का, वो होगा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ये कल का हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान का टॉपिक होगा। तो चलिए देखते हैं हम मूल्यांकन के प्रश्न अपना सबसे पहले, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन का लेसन प्लान। ओके, मूल्यांकन के प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, सलीम का पूरा नाम क्या था। हाँ, एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आ रही हो आपके लिए, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको जिस भी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए वो आप बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार चेक करूँ कमेंट बॉक्स और आपको उस टॉपिक पर लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा आप देखते हैं, जहांगीर ने किस भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा है, जहांगीर किस कला का कुशल पारखी था। और चौथा है, जहांगीर के स्वभाव में असंगति क्यों आई। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति या मूल्यांकन का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य पर बढ़ते हैं हम आगे। गृह कार्य में लिखेंगे जहांगीर की कला प्रेम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, या सभी छात्र लिख कर लाएंगे, ये भी आप कर सकते हैं गृह कार्य में। ओके, सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइएगा। थैंक यू।